हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आप आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 भी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो इस सबसे पहले अगर आपको नंबर सिस्टम आपने नहीं पढ़ा है तो आप नीचे लिंक में जाकर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसमें सबसे पहले आप नंबर सिस्टम की वीडियो एक बार देख लें तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आगे जो भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारा जो है वो नंबर सिस्टम और रियल नंबर पर डिपेंड करता है। चलिए आते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पर अपने। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, एक्सरसाइज 1.1 है। यूक्लिड्स जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथ्स में कुछ एल्गोरिथम्स दिए, कुछ मेथड्स दिए जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन के बारे में आप जानते हैं, डिवाइड करना, डिवाइड से रिलेटेड जो उन्होंने मेथड्स दिए हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं उनको, या लेमा वर्ड का यूज किया जाए तो वो भी उसके लिए यूज होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन मेथड एंड फाइंड एससीएफ ऑफ, ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं, तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SCF क्या होता है। हमें SCF फाइंड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि SCF है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF वो नंबर होता है जो बाकी दो डिजिट या तीन डिजिट, जितनी भी डिजिट हो उनको डिवाइड करता है। सबसे बड़ा नंबर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, सबसे बड़ा वो नंबर जो कि बाकी जिनका एससीएफ निकालना है उन सबको डिवाइड करता हो। उससे डिवाइड नहीं हो, डिवाइड हो रहा होगा तो एलसीएम हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर जो कि बाकी नंबर से डिवाइड हो जाता हो तो एलसीएम होगा, और अगर कर देता हो तो उसे हम बोलते हैं एससीएफ। चलिए एससीएफ निकालने के लिए आपने पुरानी क्लासेस पर बहुत कुछ पढ़ा है, कई मेथड पढ़े होंगे आप, फैक्टर मेथड पढ़ा होगा आपने और एक डिवीजन मेथड पढ़ा होगा। तो वहीं हमें बस उसी क्लास का डिवीजन मेथड यूज करना है। बचपन में अगर ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं की है तो अब आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि मैथ बहुत ईजी है, बस वो आपका टाइम मांगती है, समय दोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए हम रफली वर्क यहां पर करेंगे और जो मेन वर्क होगा वो यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 135 छोटा होता है 225, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, वैसा नहीं होगा, सब समझदार बच्चे हैं। 135 इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल देन 225। तो हमें क्या करना है कि जब हम डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं तो 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। 225 डिवाइडेड बाय 135, इससे डिवाइड करेंगे तो जिससे जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर, और जो निकल कर आएगा जैसे वन टाइम डिवाइड होगा तो वन यहां पर क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट, ठीक है, और वन से जो है 135 वन टाइम होगा। चलिए तो ये अब निकल कर आएगा नीचे कितना डिवाइड, जब अपन इसको कर रहे हैं तो बचेगा रिमाइंडर आपका 90, ठीक है। तो अब उन्होंने इसको लिखने के लिए कैसे बोला है कि आप इसको इसी मेथड में लिखेंगे, डिविडेंड 225, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 225 डिवाइजर 135 कोएफिशिएंट 1 और 90, यहां पर LHS और RHS बराबर होंगे, ठीक है। चलिए यहां पर रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमें तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, जीरो ना आ जाए। चलिए इसके बाद 130, ये 90 हो गया। अब देखो 135 90 तो 135 से डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें 9735 को डिवाइड करना है, तो ये फिर वन टाइम होगा, 90 आ जाएगा, बचेगा 45। तो फिर हम वही लिखेंगे 90, यहाँ पर 135 जो है वो डिविडेंट है, 90 जो है वो डिवीज़र है, 1 जो है वो क्वेशेंट है, और रिमाइंडर जो है वो आपका 45। फिर आपका जो है वो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो भाई साहब फिर अपन आगे बढ़ेंगे, यूक्लिड भाई साहब तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर कहाँ नहीं आ जाए, 0 तक नहीं आ जाए। चलिए फिर उन्होंने दोबारा बोला कि आगे सॉल्व कीजिए, तो फिर वही 90 से तो 45 डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में अपन को लाना नहीं है पूरे पूरे नंबर, आपको जो है वो होल नंबर पे ही काम करना है। तो फिर आपका डिवाइड किया 90 को, तो ये फिर 2 टाइम्स हुआ 90 और ये 0, तो यहां पर आपका काम बन गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो फिर इसको नाउ फिर से वही लिखेंगे, आपका डिविडेंड 90, डिवीजर 45, क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 0। अब जो है वो यूक्लिड भाई साहब खुश हो जाएंगे, कैसे, आपको रिमाइंडर क्या आ गया, आपका 0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो एससीएफ बताएंगे अब कि एससीएफ क्या होगा, सो एससीएफ ऑफ किस किस का, 135 एंड 225 इक्वल टू, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, क्रेडिट उसी को जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा 45। तो एससीएफ कितना हो गया आपका 45। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और वो वाला क्वेश्चन करना है, ये आपके होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में सारी, आप मुझे फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप हेल्प चाहें मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा अगली एक्सरसाइज है 1.2। यहां पर हमें एलसीएम और एससीएफ का यूज ज्यादा करना है, अभी एससीएफ अपन ने निकाला पिछले में। पहला क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैं लास्ट में इसकी फोटो दे दूंगा आपको बोर्ड की पूरी, आप आराम से पॉज करके उसे नोट कर लेना, अभी आप बिल्कुल सुनेंगे ध्यान से। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर में इसको डिवाइड करना है, जैसे कि हम करना है 40 को डिवाइड, ये आपके सब छोटी क्लास का बेसिक है जिन्हें हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, सिंगल इवन प्राइम नंबर, अकेला इवन प्राइम नंबर है 2, याद रखना इसको। तो 2 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5। अब देखो, अब 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से होगा नहीं, तो हम किससे कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड किया तो ये 1 पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, ये आपका पहला सॉल्यूशन। इसके अलावा बाकी आपको फैक्टराइज करना, मैं एक और बता देता हूं आपको, इसको बता देता हूं, ठीक है, 5005। सबसे पहले ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है, 3 से हो नहीं सकता है, सीधा होगा 5 से, 5 1 5 0 0 1। इसके बाद ये डिवाइड होता है 5 के बाद, ये 2 से नहीं हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता है, ये होगा 7। डिवीजन के जो रूल्स होते हैं कि कौन सा नंबर कौन से डिजिट से डिवाइड होगा, वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा,
अभी हम सिर्फ बेसिकली समझेंगे, 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 से ये कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा, 3 बचा 30, 4 टाइम्स होगा, 2 बचा 21, तो ये 3 टाइम्स होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा आपका, अब ये आपका डिवाइड होगा 1 से, 3 से नहीं होगा ये डिवाइड आपका, 2 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा नहीं, 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं हो पाएगा आपका, 11 से हो जाएगा, इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11 आपका, 11 से ये 3 टाइम्स 13, 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एक तरीके से 42 की पावर 3 इंटू 5, और ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपके 1, 2 और 3 ये आपके होमवर्क में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए एलसीएम और एससीएफ बताया हमने, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमने पिछले में पहले इसके पहले आपको क्लियर किया था कि एलसीएम वो नंबर होते हैं जिनसे जो दिए हुए नंबर्स हैं वो पूरी तरह से डिवाइड कर दें, छोटे से छोटा नंबर जिसे बाकी दो नंबर या तीन नंबर जितने भी दिए हुए हैं वो डिवाइड कर दें और जिससे हो जाए उसे बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। इंटीजर्स हम पहले आपको बता चुके हैं क्या होते हैं पिछली वीडियो में, एलसीएम और एससीएफ हो गया, प्रोडक्ट मतलब होता है दो नंबर आपको दिए हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो एलसीएम और एससीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ये आपके पूरी बात हो गई। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम, 26 और 19, अभी हमने आपको प्राइम फैक्टर निकालना बताए थे, हम प्राइम फैक्टर मेथड से ही कर लेते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर ही डिपेंड करता है। तो प्राइम फैक्टर कैसे, 26 की निकालेंगे 2, तो इससे आएगा 13 और 13 से 1, 91 का निकालेंगे, 91 का चलिए 3 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 से नहीं होगा ये डिवाइड, ये आपका 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स और 13 से डिवाइड होगा आपका 1 टाइम्स, तो इसे लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 30। तो सबसे पहले जब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉमन वालों को सबसे पहले एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 2 सिंगल टाइम है 7 इंटू, अब ये दो बार लिखा है तो अपन इसको एक ही बार नोट करेंगे 30, 7 टू जा 14 इंटू 30, 14 इंटू 13 कितना होगा 3052 की 2 कैरी आई 5, 13 बन जा 13 और 5 जो होगा 13 और 5 182, ठीक है। ये आ गया आपका एलसीएम, एससीएफ इसी को लेकर रखेंगे अपन, ठीक है। एससीएफ ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का एससीएफ निकालना है, तो अब हम क्या करते हैं एससीएफ के लिए सबसे बड़ा कॉमन नंबर, जो दोनों या तीनों जितने भी डिजिट आपको नंबर दिए होंगे सब में कॉमन हो 13, ये तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसके लिए एससीएफ कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपका 13 आ जाएगा।
ये तो आपके एलसीएम और एचसीएफ आ गए। एलसीएम कितना आ गया 182, मतलब कि 182 जो है वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि 26 से भी डिवाइड हो जाता है और आपके 91 से भी डिवाइड हो जाता है। 26 से भी डिविजिबल और 91 से भी डिविजिबल है। चलिए एचसीएफ क्या है 13, मतलब कि वो 26 को भी डिवाइड कर सकता है, वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 26 को भी डिवाइड कर सकता है और 91 को भी डिवाइड कर सकता है। ये तो आपके एलसीएम और एचसीएफ हो गए। फिर भाई साहब ने पूछा है कि आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ ये भी प्रूफ करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए एलसीएम कितना है आपका, चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना है आपका 182 इंटू 13 और आपके ये नंबर कितने हैं 26 इंटू 91, इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, चलिए इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आएगा 2366, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 2366, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला था ये आपका क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करना है आपको, प्राइम फैक्टर मेथड से ही, बस आपको ये प्रूफ नहीं करना है, यहां तक ये वाला करना है आपको और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9, मतलब कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है वो 9 है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। हमें जो मेथड हमने इसके पहले यूज किया क्वेश्चन में वही यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है आपका दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, नंबर्स क्या है 306 इंटू 657। चलिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, एलसीएम डिवाइड में चला जाएगा ये उस साइड जाएगा तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, मल्टीप्लाई जब उस साइड जाता है तो डिवाइड में आ जाता है। इसको डिवाइड किया 3 times 27, आपका 3 बचा 36, 36 4 times 34 इंटू 657, इसका आंसर आ जाएगा आपका इसका हो जाएगा 22338। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 22338, दोबारा लिख देता हूँ क्लियर नहीं है तो 22338, ये आपका निकल के आ गया एलसीएम जो आपको फाइंड करना था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, और बेसिकली मैंने थ्योरिकल क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं जिनको मैं एक वीडियो में पूरे आपको थ्योरिकल क्वेश्चन पेपर पर सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये फिर एक नया वर्ड आ गया आपके बीच में, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जैसे हमने प्राइम नंबर बताया था, प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आपका 4 है, जो जिनके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनके कई प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो हमने कंपोजिट नंबर ये प्रूफ करना है तो हम दो क्वेश्चन है इसमें, एक ये वाला है और एक ये वाला है, मैं आपको ये सॉल्व कर बताता हूँ, वो आपके होमवर्क में रहेगा।
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलिए सबसे पहले हम इनमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है 7 इंटू 11 इंटू ये रहेगा प्लस 1। ठीक है, यहां से 13 कॉमन आ गया, यहां से 13 कॉमन आया तो यहां पर 1 बचा, 13 77 प्लस 1 13 ये हो जाएगा 78। 17 8 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6, तो 13 स्क्वायर इंटू 6। तो यहां पर ये जो भी वैल्यूज है इसकी वो एक कंपोजिट नंबर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर ये जो आपका 13 है, 13 तो ठीक है प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन 13 एक बार और है और उसके अलावा आपका 6 इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये पूरा जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 6 इज फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, सो नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। थैंक यू, इसके भी आप कॉपी कर ले, ये आपके मेनली क्वेश्चन होगा 1.1 और 1.2 के। हम अगली क्लास में बात करेंगे 1.3 और 1.4। 1.3 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इरेशनल का है, इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, और उसके अलावा फिर आपको जो भी क्वेरीज इनमें आए, मैंने आपको वर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उन पर आपको फोकस करना है। बाकी हमारी सारी लिंकें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप उनसे लिंक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।